गाने की रिक्वेस्ट की थी अनमोल ने अपनी वाइफ अंजलि के लिए। अंजलि अगर आप सुन रही हैं तो देख लो आपके मिस्टर अनमोल आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो, फरमाइश हो तो कॉल करें मुझे इसी वक्त अभी। सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है और दिमाग से पैदल भी, और उसका जीतता जागता एग्जाम्पल है मेरे पति देव। ध्रुव, पर एक चुटकी बदले की कीमत तुम क्या जानो ध्रुव बाबू। प्यास लग रही थी पर यहाँ आई। It's going to change over there. It's गीला हो गया इसको। हाँ। ऊपर से हाँ हाँ तेरे पापा निर्दोष थे, बहुत गलत हुआ इनके साथ, पर पूजा तू क्या कर रही है?
तू भी तो बदला लेने के लिए एक निर्दोष का इस्तेमाल कर रही है, क्या वो गलत नहीं? तेरा मकसद है अपने पापा की बेगुनाही के सबूतों को इकट्ठा करके पीके मित्तल का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आना, उस पे ध्यान दे। ध्रुव, यू स्केयर्ड मी, कुछ चाहिए? ये चाहिए, तुम्हारा काजल। अब ठीक है? ये क्यों? तुम्हें दुनिया और अपनी नजर से बचाने के लिए। सॉरी, तुम्हें देखते देखते बैलेंस ही चला गया। योगा किया कीजिए, दिमाग और बॉडी दोनों बैलेंस में रहेगा। कौन कमबख्त बैलेंस रखना चाहता है? बताओ। Are you trying to flirt with your own wife? Of course not. वो तो मैं दूसरों की बीवियों के साथ कर लेता हूँ। What? मेरी जान, मेरा मतलब है कि सुबह उठ के योगा और बैलेंस से ज्यादा प्यारी ना मुझे अपनी आधे घंटे की नींद है, समझी? Okay, then go ahead with your sleep. मुझे मेरा योगा करने दीजिए। Really? Yes. काजल, तो मिस्टर ध्रुव मित्तल तुम्हें अपने परिवार पे लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नजर लगने वाली है मेरी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर वर्मा ने दवाइयां भेजी। जी। थैंक यू। मम्मी को तो अकल आने लग गई है डॉक्टर। नॉट अ गुड साइन। डू समथिंग। दवाई बदलिए, डोज बदलिए, आई डोंट केयर, बट डू समथिंग। वो क्या है ना, मम्मी को अच्छी हेल्थ सूट नहीं करती। उनकी बीमारी को नेक्स्ट लेवल ले जाने का टाइम आ गया है। मम्मी को अच्छी हेल्थ सूट नहीं करती। चांदी, यू सो फनी। रिवेंज अगर बिना सेंस ऑफ ह्यूमर के लिया जाए ना, बोरिंग हो जाता है। गुड जॉब। जानवी, तेरे पापा का मूड कैसा है? वो चंदा बता रही थी कोई वीडियो निकला है, तुझे पता है? अब उनका मूड ठीक है ना? वो वीडियो वायरल हो गया, हर जगह फैल गया, और उसी वजह से पापा का मूड ऑफ था। पर अब सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आप दवाई टाइम। नहीं 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 जानवी, मुझे दवाई नहीं खानी। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना? अगर रिकवर होना है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना, एक ही है। चल खाइए। मम्मी, अब अगली खुराक 12 बजे। आज दोपहर 12 बजे। बारह बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा सकती है, अगर तुम चाहो तो।
जानवी से मैंने बात कर ली है, उसे इमेज कंसल्टेंसी फर्म के बारे में बता दिया है। उन्होंने भी कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे इमेज के लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा, इट विल बी गुड। पापा, मुझे तो कमिश्नर अंकल का आइडिया बहुत अच्छा लगा, बट उन्हें लग रहा था यू वोंट बी ओके विद इट, इसीलिए मुझे बुलाया यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। डैड, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए काव्या की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, उसका सपोर्ट भी। What? What did you just say? बस काव्या की मदद हूँ मैं। I'm not a creeper like Kavya, जिसे दीवार पर चढ़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़े। बरगद का पेड़ हूँ मैं। मेरी मदद से लोग बढ़ जाते हैं। And you expect me to ask Kavya? It's not about उसकी हेल्प लेना। Strategically उसकी प्रेजेंस जरूरी है, और ये भी कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि वीडियो में जो भी था वो सब झूठ था। तो क्या चाहती हो तुम? कि मैं कबीर के पास जाऊं और उससे और उसके वाइफ से फेवर मांगूं? Never! पापा, कोई और ऑप्शन होता, आई वुड हैव नेवर नेवर इंसिस्टेड। ठीक है, अगर तुम सबको लगता है कि इससे हमें फायदा हो सकता है तो ठीक है। ध्रुव, सो 12 PM? यस अंकल। दोपहर 12 बजे देखिए एक विशेष प्रसारण। कार्यक्रम का नाम है मित्तल की मिट्टी पलीत। देखिएगा जरूर। धन्यवाद। उस दिन के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं, और कितनी बार सेम चीज मैं रिपीट करूंगा। हाँ मिस्टर कबीर मित्तल, इस केस में जब तक आप पूरा सच नहीं बताओगे इट वोंट हेल्प। उस दिन टीम को आप और व्यूम मल्होत्रा लीड कर रहे थे ना? ये जो डील है ना, ये आपकी और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। सोच लीजिए। अर्लियर द बेटर। ये जो डील है ना, ये आपकी और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। सोच लीजिए। अर्लियर द बेटर। सब लोग उधर जाओ, अंदर जाता हूँ। गो, 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 गो। क्यों? तू पागल हो गया? अकेले जाएगा अंदर? हाँ? तुझे पता भी नहीं कितने लोग हैं अंदर, कितनी वेपन्स हैं उनके पास? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं कस्टमर नीचे नहीं आया तो बैकअप फोर्स लेके ऊपर आ जाना। गन? पर व्यू? आई विल लीव। इट्स एन ऑर्डर। गो। सिर्फ 10 मिनट है, कहीं इन्हों के सालों की मेहनत खराब हो जाए। जल्दी करो। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं पता चला कि मैं डबल एजेंट या तुम्हारे साथ मिला हुआ हूं।
तीनों के साथ। ये मेरे दोस्त है, रुक जाओ वो मेरा दोस्त है। इस मिशन में हमारे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। गोली में चलाना, नहीं गोली में चलाना, मेरी बात को समझो, गोली में चलाना, गोली में चलाना। व्योम, तुझे कुछ नहीं होगा व्योम, व्योम, you need to talk, God damn it, व्योम। हाँ, तू यही जाना चाहता ना? हाँ, मैं डबल एजेंट हूँ। इन लोगों के साथ मिला हुआ था। देखिए कबीर, इसमें दो बातें सच्ची हैं। तेरे साथ की हुई दोस्ती और काव्या के साथ प्यार। तूने ऐसा क्यों किया व्योम? व्योम क्यों किया तूने ऐसा? कबीर, मैं तुझे ये नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा हुआ कि ये गोली मुझे लगी, क्योंकि मैं थक गया अपने देश को धोखा देने बस। पर मैं मजबूर था। तू मुझे वादा कर मुझे, तू ये सच किसी को नहीं बताएगा, अपने सीने में दबा के रखेगा। नहीं कबीर, काव्य आयुष जीते जी मर जाएंगे। नहीं, लोग मेरे बेटे को गद्दार का बेटा कहेंगे। तुम मेरे गुनाह की सजा उसे नहीं भुगतने देगा। तू वादा कर मुझे कभी, वादा कर। क्यों जस्ट बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस को बुलाओ, उठाओ उसे, एम्बुलेंस को फोन करो। ठीक है, वादा कर मुझे। तो काफी और अरुष को ना काव्या, I'm so happy कि शानी को अपनी गलती रियलाइज हो गई और उसने तुमसे अपोलोजाइज कर लिया। एक सेकेंड, कुछ भूल रही हूं मैं? क्या भूल रही हूं? क्या था? मम्मी को दवाई नहीं दी मैंने? नहीं, दवाई तो दे दी थी। एक साथ दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि कभी कभी भूल जाती हूँ। मुझे लगा मैंने मम्मी को दवाई नहीं दी सुबह की, फिर दे दी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। अरे अरुष, ये मेरी गोद में टेडी बेयर कहाँ से आ गया? ये तो अरुष है। जानवी भाभी, इफ यू डोंट माइंड तो मम्मी को टाइम पे दवाइयां देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूं? ऑफ कोर्स, व्हाई विल आई माइंड? इनफैक्ट अच्छा ही है, तुम ले लो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी बहाने तुम्हारी और मम्मी की बॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो कौन सी दवाई कब देनी है? काव्या, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी। एक्चुअली मैं ही कर देती, पर दीज राइट, आपकी बॉन्डिंग के लिए अच्छा चांस है। अगली डोज दोपहर 12 बजे। कितने बजे? 12 o'clock. 10 plus 2, 12. Star Plus के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।